बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टिचिंग विद शाइस्ता। आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। ये देखिए, मेरे पास इस तरह से ये ट्यूलिप शलवार का कपड़ा है और इसमें मैं इस तरह ये डोरी पाइपिंग लगाऊंगी इस कपड़े की, और ये मेरे पास लेस भी है, इस लेस को भी इसके साथ मैं अटैच करूँगी। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी देखिए व्यूवर्स, मुझे अपनी शलवार की जितनी लेंथ रखनी थी उसके मुताबिक मैंने कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है। ये कन्नी वाला साइड जो हमारा लेंथ का है और ये हमारे वर्थ है, तो मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। जी देखिए, मुझे इसको 30 पे करना है, मगर मैंने 32 रखा है क्योंकि नीचे का मैं राउंड शेप दूँगी जो हमारे ट्यूलिप में होता है, और ऊपर मैं 4 इंच का इसमें बेल्ट लगाऊँगी। तो कपड़े को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, फिर मैं दिखाऊँगी कि इसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे। जी देखिए व्यूवर्स, मैंने इस तरह से कपड़े को कोन की तरह बिछा लिया है। नीचे मुझे अपना बॉटम रखना है, तो मैंने दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए जो मैंने आपको बताया था 2 इंच की यहाँ पर मैं गोलाई दूंगी। ये देखिए, इंच टेप की मदद से इस तरह से मैं मार्क लगा लूँगी 2 इंच का और उसको राउंड शेप दूँगी। ये देखिए, यह हमारा बॉटम बनेगा, तो यहाँ पर मैं ये राउंड शेप दे रही हूँ। इसको कट कर लेंगे हम इस तरह से। जी देखिए, ये मैंने अपने बॉटम की यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है इस तरह से कट करने के बाद। अब ये मेरे पास कपड़े की विड्थ वाला हिस्सा मेरी तरफ है, इसको मैं फोल्ड करूँगी क्योंकि मैं शलवार बना रही हूँ, और ये कन्नी वाला हिस्सा मैंने बाहर की तरफ रखा है क्योंकि मुझे इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो ये देखिए, जो विड्थ थी कपड़े की, पहले मैंने उसको इस तरह से करके टर्न करा है, हाफ फोल्ड करा है बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने घेर के मुताबिक काम करना है। आप लोग अपनी शलवार के घेर के मुताबिक काम कीजिएगा। अब इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूँगी जो कन्नी वाला हिस्सा है, तो हम इसको इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें अपना घेर चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी लेंथ की तरफ। ये देखिए, मुझे जो अपना बॉटम रखना है वो 5 इंच का रखना है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी, और 5 इंच के मार्क लगाने के बाद मैंने अपने 4 इंच का बेल्ट लगाना था, तो 3.5 में माइनस करूँगी, 1/2 इंच नीचे का सीम अलाउंस रहेगा। अब इसके मुताबिक ही जो शलवार की मुझे लेंथ रखनी है उसका मैं एक मार्क ऊपर की तरफ लगाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर हम अपनी लंबाई के मुताबिक एक निशान लगाएंगे। अब नीचे से हम इंची टेप को बिल्कुल बराबर रखते रहेंगे और इस तरह से मार्क लगाते रहेंगे। मार्क हमारा आगे जाकर थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा 33 मुझे लेंथ रेडी चाहिए थी, तो ये देखिए 33 पर मैं इस तरह से मार्क लगा रही हूँ। इन सारे मार्क को आपस में मिलाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए। जी देखिए, जो मेरी तरफ की फोल्डिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पर मैं अपने क्रॉच एरिए का निशान लगाऊंगी, तो देखिए 4 इंच ऊपर मैंने इसको माइनस कर दिया है। अब अपने क्रॉच एरिए का निशान लगाएंगे, तो मुझे 12 इंच का चाहिए, तो मैंने 12 इंच पर यहाँ पर एक मार्क लगा लिया है। चौड़ाई के निशान ये देखिए 1.5 पर मैं लगाऊंगी, लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 का निशान मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी, और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे से राउंड शेप देंगे क्रॉच एरिया के लिए, कुछ इस तरह से। जी देखिए, मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी अपने मार्किंग के साथ साथ। ये देखिए, हमारी ट्यूलिप शलवार की कटिंग हो गई है। ये देखिए, हमारा कन्नी वाला हिस्सा है जहाँ मैंने अपने बॉटम का निशान लगाया था, यहाँ पर मैं एक कट लगा लूँगी। कट लगाने से ये होगा कि यहाँ से हम अपनी डोरी पाइपिंग और लेस को स्टार्ट करेंगे जो राउंड होती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। तो मैं इसको खोलकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका कुछ लुक इस तरह से आएगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी ट्यूलिप शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। मुझे बेल्ट इनका 22.5 रेडी चाहिए, तो मैं 23 पर इसको मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को। 1/2 इंच मेरा सीम अलाउंस रहेगा क्योंकि एक तरफ फोल्डिंग है, और मुझे 4 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाऊंगी। जी देखिए, ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है, तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं। जी देखिए, सबसे पहले मैंने क्रॉच एरिया की सिलाई लगा ली है कुछ इस तरह से। अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने क्रॉच एरिया की सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरह हम डोरी पाइपिंग रखेंगे। देखिए, इसको पहले मैंने फोल्ड करा कि आपको कट का निशान नज़र आ रहा होगा,
और इसके ऊपर मैंने ये कन्नी वाला हिस्सा ओवरलैप करना है। अच्छा, हम इसको इतना ओवरलैप करेंगे जितना हमें अपनी शलवार का घेर चाहिए। अगर आप ट्राउज़र बना रहे हैं तो इसको अंदर की तरफ ज़्यादा रखें, शलवार बना रहे हैं तो बाहर की तरफ रखें ताकि आपको घेर अच्छा सा मिल सके। अब ये इसके कॉर्नर से हम सिलाई शुरू करेंगे। डोरी पाइपिंग लगाएंगे पहले। ये देखिए, इस तरह से राउंड में घुमाते हुए मैंने डोरी पाइपिंग के लिए अपने स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और ये उरे भी रखी है ताकि नीचे राउंड में ये अच्छे से बैठ सके। अब मैं आप लोगों को डोरी पाइपिंग लगाना बताऊंगी और फिर इसके साथ ही मैं ये लेस भी अटैच करूंगी। जी देखिए व्यूअर, ये मशीन पे मैं आपको डोरी पाइपिंग लगाना बता रही हूँ। ये देखिए, इसका कट आपको नज़र आ रहा होगा। इस कट पर मैं डोरी पाइपिंग रखूँगी, यहाँ से स्टार्ट लूँगी। मैंने अपने ट्यूलिप को सीधा रखा हुआ है और ये मैंने डोरी डालकर, क्योंकि और ये भी कपड़ा था, पहले से रेडी कर लिए। अब हम इस कट से स्टार्ट लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसमें, ये देखें, इस तरह से पहले इसको एडजस्ट कर लें आप, ताकि आपको डोरी पाइपिंग लगाना आसान हो जाए। और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। जो रेब वाला हिस्सा है, यहाँ थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, आराम से सिलाई चलाइएगा ताकि ये बहुत खूबसूरती के साथ इसका राउंड बैठ सके। जी देखिए व्यूअर्स, ये हमारी डोरी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों बॉटम में मैंने इस तरह से डोरी पाइपिंग लगा ली है। अब इसको मैं टर्न करूँगी। ये देखिए, हम बैक साइड पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सफाई से इसी कॉर्नर से, ये देखिए जो मेरा कट है, इसी कॉर्नर से ऊपर जहाँ तक ये कपड़ा आ रहा है यहीं से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी इसकी। जी व्यूअर्स, ये देखिए, इसमें मैंने डोरी पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है और इसको आयरन कर लिया है ताकि जो हमारा राउंड है नीचे का वो अच्छे तरीके से बैठ सके और काफ़ी नीट भी लग रहा है। ये दोनों बॉटम मैंने इसी तरह से रेडी करे हैं। अभी इसके साथ मुझे लेस अटैच करनी है। ये देखिए, मैं आपको दूसरा वाला बॉटम भी इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए, दूसरे वाले बॉटम पर भी मैंने इस तरह से डोरी पाइपिंग लगाकर इसको आयरन कर लिया है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, डोरी पाइपिंग जो है हम लगा चुके हैं। अब इसमें मुझे लेस लगानी है, तो मैं लेस का आपको तरीका दिखा रही हूँ। मैं लेस इसको बाहर की तरफ रख के लगा रही हूँ, डोरी पाइपिंग से बाहर की तरफ। आप चाहें तो इसको ऊपर की तरफ भी रखकर सिलाई लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, ही देखिए, मैंने डोरी पाइपिंग लगा के इसमें लेस भी लगा ली है और इस तरह से आपको पाइचक बनाकर मैं दिखा रही हूँ। अब मुझे जितना इसमें पाइचक खोलना है, जितना आपको अपना बॉटम रखना हो उसके हिसाब से आप निशान लगा लें। मैंने अभी इसको पिनअप नहीं करा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से ओवरलैप किया जाता है। जो कम वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा और ज़्यादा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। अब सबसे पहले हम इसके घेर को मेजर कर लेंगे कि हमें अपना घेर कितना चाहिए, उसके बाद हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और पूरे यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे यहाँ पर। जी व्यूअर्स, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे ट्यूलिप शलवार का कुछ फाइनल लुक है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, अंदर की तरफ मैंने डोरी पाइपिंग लगाई है और इसमें ये इस तरह से लेस लगा के इसको मैंने कंप्लीट करा है। ऊपर ये मैंने जो आप लोगों को बेल्ट बताई थी, ये बेल्ट लगा के रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये कुछ इसका फाइनल लुक आपको नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं भी हुई तो हो सकता है जिसको आप शेयर करें ये वीडियो उसके लिए बड़े काम की हो। तो इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।